दोस्तों आपने 8 साल पहले आई फिल्म अग्निपथ तो देखी होगी ना, जो 1990 में बनी फिल्म अग्निपथ का ही रीमेक थी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर ऋतिक रोशन नजर आए, जिन्होंने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया और अपने इस किरदार के जरिए काफी पॉपुलर हो गए। इस फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों को काफी खूबसूरती से निभाया और वो सभी भी पॉपुलर हो गए। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि फिल्म में काम कर रहे कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनमें से आप ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान को तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी कलाकारों का क्या, उनके बारे में तो हम बताते हैं ना आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 5, प्रियंका चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर प्रियंका चोपड़ा ने काली मावड़े का किरदार निभाया, जो कि इस फिल्म में विजय दीनानाथ चौहान की प्रेमिका होती है, उनसे बहुत प्यार करती है। इस फिल्म का किरदार काफी अहम था, जिसे इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया और अपने इस किरदार से फेमस भी हो गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम निक जोनस है, जिनसे इन्होंने 2018 में शादी की। आज इनकी शादी को 2 साल हो गए हैं। आपको बता दें, इनके पति अमेरिका के फेमस सिंगर है, जो अपने गाने खुद ही बनाते हैं, साथ ही एक थिएटर एक्टर भी हैं, जो थिएटर में शोज भी करते हैं। नंबर 4, संजय दत्त। इस फिल्म में कांचा चीना का किरदार संजय दत्त ने निभाया, जो कि फिल्म में नशेले पदार्थों के माफिया होते हैं, जो लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। फिल्म में इनका किरदार नेगेटिव था, जिसे इन्होंने शानदार तरीके से निभाया, दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के निजी जीवन की, तो इन्होंने 3 शादियां की, जिनमें पहली पत्नी का नाम ऋचा शर्मा है, जिनसे इन्होंने 1987 में शादी की, पर इनकी 1996 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी की, पर किसी कारणवश 2008 में इनका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद अंत में संजय दत्त ने मान्यता दत्त से 2008 में शादी की। संजय दत्त की तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मान्यता दत्त ही हैं। वर्तमान में अपनी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के साथ रह रहे हैं। आपको बता दें, मान्यता दत्त प्रोफेशन में एक अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्हें आपने गंगाजल फिल्म में आइटम सॉन्ग करते हुए देखा होगा। नंबर 3, कैटरीना कैफ। इस फिल्म में कैटरीना कैफ का रोल काफी छोटा सा था, जो इस फिल्म में आइटम सॉन्ग चिकनी चमेली पर डांस करती हुई दिखी थी। इस डांस के जरिए दर्शकों की चहेती बन गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इन्होंने शादी नहीं की है। जैसे कि आप जानते हैं, इनका अफेयर रणवीर कपूर और सलमान के साथ रह चुका है। अब देखना है फिलहाल ये शादी किससे करती है। नंबर 2, ऋषि कपूर। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने रौफ लाला का किरदार निभाया, जो काफी बड़े अपराधी होते हैं। इस फिल्म में ये विजय दीनानाथ के दोस्त भी बन जाते हैं, क्योंकि रौफ और कांचा एक दूसरे के गट्टर दुश्मन है। इस फिल्म में इनका किरदार नेगेटिव था, जिसे उन्होंने बड़ी बखूबी निभाया और प्रसिद्ध भी हो गए। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम नीतू कपूर है, जिनसे इन्होंने 1980 में शादी की। आज इन्हें 2 बच्चे हैं, रणवीर कपूर और रिधिमा कपूर, जिसमें से रणवीर कपूर बॉलीवुड का जाना माना नाम है, वह रिधिमा एक फैशन स्टाइलिश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी भी प्रोफेशन से इन्हीं की तरह ही अभिनेत्री रही थी, जिन्होंने अमर अकबर, एंथोनी, धर्मवीर जैसी फिल्मों में काम किया। नंबर 1, कनिका तिवारी। इस फिल्म में कनिका तिवारी ने शिक्षा चवन का किरदार निभाया, जो इस फिल्म में विजय दीनानाथ चौहान यानी ऋतिक रोशन की बहन होती है। इस फिल्म में इनका किरदार काफी डरी सहमी सी लड़की का होता है। इनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया, अपने इस किरदार के जरिए कम समय में ही पॉपुलर हो गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इन्होंने शादी नहीं की है। मीडिया से मिली जानकारी से पता चला है, इनका अफेयर अपने को स्टार से चल रहा है, जो इनके साथ फिल्म बॉय मीट्स गर्ल्स में नजर आए थे। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हो गया, एक दूसरे को डेट भी किया, पर जल्दी ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, जिसके चलते ब्रेकअप भी हो गया। तो दोस्तों, इस फिल्म में ऋतिक रोशन और संजय दत्त में से आपको किसका अभिनय ज्यादा अच्छा लगा, उनका नाम लिखकर आप बता दीजिए। और लास्ट टाइम अग्निपथ कब देखी थी आपने, ये भी बता देना। और बॉलीवुड से जुड़े ऐसी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।